कि आपको पता है, आप जो इस इमेज में इस सांप को देख रहे हो, ये सांप 2020 में जिंदा हो जाएगा। और क्या आपको पता है, डेविल्स बाइबल एक ऐसा बुक है जिसे एक शैतानी आत्मा ने लिखी है। और आप जो इस मिर्ची को देख रहे हो, अगर आप इसे खाओगे तो आपकी जान भी जा सकता है। ऐसे ही कुछ माइंड ब्लास्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों टाइम में हमेशा एएम और पीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सभी को पता है, दिन के 12 बजने के बाद पीएम कहा जाता है और रात के 12 बजने के बाद एएम कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये एएम और पीएम का मतलब क्या है? लैटिन भाषा में एएम का मतलब एंटे मेरिडियम यानी कि बिफोर मिड डे, और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम यानी कि आफ्टर मिड डे। और इसलिए दिन के 12 बजने के बाद हम पीएम कहते हैं और रात के 12 बजने के बाद हम एएम कहते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है ट्री का जो रिंग होता है, ये रिंग को देखकर साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि ये पेड़ कितनी साल पुरानी है। और इसके साथ साथ ये रिंग को देखकर ये भी पता चल जाता है कि इस ट्री के टाइम में क्लाइमेट कैसा था। जो ट्री की रिंग थिनर होता है, उस पेड़ के टाइम में ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी और क्लाइमेट ड्राई टाइप का रहती थी। और जो ट्री की रिंग थोड़ा मोटी होती है, तो उस पेड़ के टाइम में ज़्यादा बारिश होती थी। फैक्ट नंबर 13, आपको तो पता ही होगा डॉल्फिन्स बहुत ही क्यूट और चालाक होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हम इंसानों का जैसे नाम होता है, वैसे ही कुछ डॉल्फिन्स का भी नाम होता है। और हम जैसे किसी को नाम से पुकारते हैं, ठीक वैसे ही डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। डॉल्फिन्स जब किसी को बुलाते हैं तो वो एक यूनिक व्हिसिल में बुलाते हैं और अलग अलग डॉल्फिन्स के लिए अलग अलग टाइप के व्हिसिल बजाते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है पहले के टाइम में ग्रीस और रोम में जब किसी पेशेंट को बैंडेज का जरूरत होता था, तो उस टाइम में डॉक्टर्स ने मकड़ी की जाल को बैंडेज के रूप में यूज करते थे, क्योंकि उस मकड़ी की जाल में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होता है जो कि घाव को इन्फेक्शन से बचाता है। और इसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि क्लोटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है एक बार एक कार को 20,000 से ज़्यादा मधुमक्खियाँ पिछले 2 दिनों से फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनकी रानी मधुमक्खी उस कार के अंदर फंस गई थी और ये सारे मधुमक्खियाँ उस रानी को बचाने के लिए उस कार को फॉलो कर रहे थे। और जब ये कार पार्किंग में खड़ा हो गया, सारे के सारे मधुमक्खियाँ उस कार के ऊपर बैठ गए और बाद में बीज कीपर्स बुलाकर ये सारे मधुमक्खियों को ले जाया गया। लेकिन ये जंग अब भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी अगले दिन ही ये सारे मधुमक्खियाँ फिर से आ गए, क्योंकि उस कार में तब तक उनकी रानी मौजूद थी। फैक्ट नंबर 10, आप जो इस इमेज को देख रहे हो, इसमें आपको मकड़ी के जाल में बना एक स्पाइडरमैन का फेस दिख रहा होगा। ये टोटल सर्किल है स्पाइडरमैन की फेस और ये है उसकी आँख। असल में ये एक रियल इमेज है और ये जो मकड़ी की जाल है वो भी असली है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है अगर आप आपकी नाक को बंद करके एप्पल पोटैटो और ऑनियन को खाओगे, तो आपको ये तीनों की टेस्ट एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि 80% आपके टेस्ट की सेंस आपकी स्मेल की सेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप आपके नाक को बंद करके इन तीनों को खाओगे, तो आपको इनकी टेस्ट एक ही जैसा लगेगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इंसान हो या जानवर, जब यह रोमांटिक मोड में आ जाता है तो ये अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने साथी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी पागलपन कर देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था माइक टाइसन के साथ। जब वो अपनी पत्नी के साथ एक जू में घूम रहे थे, तब वो अपने पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए एक गोरिल्ला के साथ फाइट करना चाहते थे, और गोरिल्ला के साथ फाइट करने के लिए जू कीपर को $10,000 तक ऑफर भी किए थे। पर जू कीपर ने माइक टाइसन को साफ साफ मना कर दिया था कि भाई ये सब यहाँ नहीं चलेगा। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या वो जू कीपर सही किया, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, आप जो इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेज में आपको लग रहा होगा कि ये जैसा कोई समंदर का लहर है, लेकिन ये कोई लहर नहीं है, बल्कि ये लहर की टाइप की जैसे चट्टान है। यह चट्टान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इसे 27 मिलियन साल पुरानी बताया जा रहा है। इस चट्टान की हाइट 15 मीटर है और लेंथ 100 मीटर है और इसे वेव रॉक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, आप जो इस इमेज में इस स्कल्पचर को देख रहे हो, इसे द सिंगिंग रिंगिंग ट्री कहा जाता है और इसे इंग्लैंड के पेनिन हिल्स के ऊपर बनाया गया है। बेसिकली ये स्कल्पचर को पाइप्स के मदद से बनाया गया है और ये स्कल्पचर की खास बात यह है कि जब ये पाइप्स के अंदर हवा पास करता है, तो ये पाइप्स कुछ अमेजिंग सा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है डेविल्स बाइबल नाम का एक ऐसा किताब है जिसे शैतानी आत्मा द्वारा लिखा गया है, और इसी किताब को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी किताब भी माना जाता है। इस किताब में बहुत ऐसे पेजेस मौजूद है
जिनमें शैतान की इमेजेस होती है। ये किताब की फर्स्ट पेज यानी कि कवर पेज में भी शैतान की इमेज मौजूद है। इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है और ये बुक ऑफ स्वीडन के एक लाइब्रेरी में रखा गया है। इस बुक में टोटल 160 पेजेस है। इसका वजन 85 किलोग्राम बताया जाता है। कहा जाता है कि एक किताब को सिर्फ एक दिन में ही लिखा गया है और इसे एक शैतानी आत्मा ने लिखी है। लेकिन साइंस ये बात को तो झूठ मानता है, पर साइंस के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर इस बुक को किसने लिखी है। इस बुक के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दिमाग में डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान की ख्याल आते ही इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि हाँ भाई डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होता है और पानी का तो नाम निशान भी नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सारा डेजर्ट में साल 1979 फरवरी 18 में 30 मिनट तक स्नोफॉल हुई थी। पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुई थी कि सारा डेजर्ट में स्नोफॉल हुई थी और सारा डेजर्ट की गर्मी के चलते ही सारे बर्फ बहुत जल्दी भी मेल्ट हो गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जब दो लोग आपस में फाइट करते हैं तो उसे ड्यूल कहते हैं और जब तीन लोग आपस में फाइट करते हैं तो उसे ट्रुएल कहते हैं, TRUEL, ट्रुएल। फैक्ट नंबर 2, आप जो इस इमेज में इस मिर्ची को देख रहे हो यह दुनिया का सबसे तीखी मिर्ची है। इस मिर्च का नाम कैरोलिना रिपर है। यह मिर्ची इसकी तीखापन की वजह से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। ये मिर्ची इतनी तीखी है कि ये आपकी जान भी ले सकता है। कि आप इस मिर्ची को खाना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, आप जो इस इमेज में सांप जैसा पत्थर को देख रहे हो असल में इसका कहानी क्या है? क्या सच में ये सांप 2020 में जिंदा हो जाएगा? दोस्तों दरअसल ये एक अफवाह है। आपके स्क्रीन पर जो दो इमेज को देख रहे हो ये जो लेफ्ट साइड के इमेज है ये थाईलैंड के एक केव है जिसे नका केव कहा जाता है और ये लंका नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। ये केव की खास बात यह है कि अगर आप इस केव के पत्थर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में एक सांप ने पत्थर बन गया है। लेकिन अब आप जो राइट साइड इमेज को देख रहे हो ये पत्थर उस नका केव में दिखने को नहीं मिलेगा। ये इमेज कोई दूसरी प्लेस का है और ये फोटो एडिटिंग का कमाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब 2020 में जिंदा हो जाएगा। और हाँ एक बात तो सही है कि हमारा ये प्रकृति बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ऐसे ऐसे क्लप्चर खुद ब खुद बनाया है। तो दोस्तों इस फैक्ट्स के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।